साथियों, अगर हम चम्मच से खाना खाएं तो स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अक्सर जो लोग हाथ से खाना खाते हैं ऐसे लोगों को गवार या फिर गांव के पिछड़े लोगों में गिना जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथ से खाना खाना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। पुराने जमाने में लोग हाथ से खाना खाते थे। अगर आयुर्वेद की माने तो हाथ से खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का खतरा टल जाता है। साथ ही हाथ से खाना खाकर वजन और मोटापे को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। दोस्तों, हाथ से खाना खाने के कितने फायदे हैं इस रिपोर्ट में जान लो। यकीन मानो, आज रात का खाना आप हाथ से ही खाएंगे, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो। दोस्तों, हाथ से खाना खाना महज एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिशन सेहत को भी कई फायदे पहुंचाता है। जरूरत और माहौल को देखते हुए भले ही अब लोग चम्मच से खाना खाने लगे हैं, लेकिन जब भी मौका मिले हाथ से खाने का तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। आयुर्वेद हमें नेचुरल से जोड़कर रखने का काम करता है। साथियों, अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, साथ ही पेट से जुड़ी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आयुर्वेद की माने तो हाथ की पांच उंगलियां आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी को दर्शाती हैं। हाथ से खाने से शरीर में इन पंच तत्वों का बैलेंस बना रहता है और साथ ही शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। इसके अलावा जब हम हाथ से खाना छूते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम तैयार हैं, जिससे ब्रेन जरूरी पाचन एंजाइम्स रिलीज करता है, जो खाने को आसानी से पचाने में मददगार हैं। दोस्तों, हाथ से खाने के दौरान हम कितना खाना है, क्या खाना है, किस स्पीड से खाना है, ये भी समझ पाते हैं, जो डाइजेशन के काम को आसान बनाने का काम करते हैं। अगर आप पाचन तंत्र को सही रखना चाहते हैं तो चम्मच छोड़ हाथ से खाने की आदत डालें। लेकिन हाथ से खाने के दौरान एक बात का खास ख्याल रखें, खाने से पहले भी हाथ साबुन से धोना है और खाने के बाद भी। साथियों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पहले के जमाने में लोग करते थे और फिट रहते थे, लेकिन मॉडर्न जमाने के चक्कर में हम बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। हाथ से खाना खाने से कई फायदे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चम्मच से खाना खाते हैं, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या ना हो तो आज से ही हाथ से खाना खाना शुरू कर दें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।